सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भले ही लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, लेकिन आप कभी भी अच्छे कामों को करना मत छोड़िए। जो लोग जीवन में रिस्क लेना जानते हैं, वही लोग सफलता के रास्ते में सबसे आगे खड़े होते हैं। सिर्फ सोचने से समय व्यर्थ होता है और करने वाले ज्यादा सोचने में समय कभी व्यर्थ नहीं करते। आज का पंचांग 9 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 12:39 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 12:15 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय 1:36 से 3:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:48 से 12:27 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 9 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, दूसरे लोग आपके करिश्मा और आकर्षण की तरफ खींच रहे हैं। धन लाभ भी आपको खुश कर सकता है। खर्च करते समय समझदार बने और अधिक खर्च ना करें। घरेलू मतभेदों से बचने के लिए अच्छे से बात करें और सुने। आज आपके जीवन में बड़ा भाई बहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सफलता दिलाएगा। याद रखें कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, किंतु हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। धन अचल संपत्ति प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा अच्छा नहीं है। यदि आप इस समय में किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो ना करें, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। अपने कार्य करने के तरीकों को समय के साथ बदलना समझदारी रहेगी। परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है, आज किंतु अपना संयम बनाए रखें। दिन के पहले भाग में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन दिन का दूसरा भाग बेहतर रहेगा। आज धन संबंधित कोई बुरी खबर मिल सकती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। सावधानी बरतें, आज किसी को उधार ना दें और यदि कोई उधार लिया हुआ है तो उसे जल्द से जल्द उतारने का प्रयास करें। आज किसी प्रकार का दान अवश्य करें। सावधानियां, किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करना या नए कार्य का शुरुआत करना इन दिनों नुकसानदायक हो सकता है। आज के दिन परहेज करना आपके लिए बेहतर होगा। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी खास का साथ चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। आज आप दुर्घटना से बचकर रहें। जीवन के कुछ निर्णय भविष्य के योजनाओं से जुड़े होते हैं। अगर माहौल गर्म हो रहा है तो कभी कभी थोड़ा सा परिहार परिस्थिति को अनुकूल बना सकता है। समस्याओं को दबाने की जगह उन्हें तुरंत हल करें। करियर की बात करें तो अपने करिश्मे और कौशल से आज आप कई फैंस और शिष्य बना लेंगे जो किसी भी परेशानी में आपका साथ देंगे। समूह या सोसाइटी के कार्यक्रमों में भाग लेने से आपको नए रिश्तों के बनने के साथ साथ आपको नए आइडियाज भी आएंगे। अचानक कई घरेलू मुसीबतों के प्रति सावधान रहें। आज कुछ भी आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने कौशल को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, इससे आपको लंबे समय तक फायदा होगा। रवैये को बदलने के लिए भी यह अच्छे क्षण हैं। किसी भी काम में सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सालों की मेहनत होती है। सेहत की बात करें तो आज आप स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना पसंद करेंगे।
आज खूब मस्ती करें क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आती। अच्छा, आपको स्वादिष्ट भोजन करने में बहुत मजा आएगा, मगर इसके साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि आप उतनी ही ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।